दोस्तों वेलकम बैक एवरीवन। तो फिर आए हम एक नई वीडियो में, और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जेसीबी भाई हमारी आती किस तरीके से। कुछ लोगों का सवाल होता है कि भाई इतनी बड़ी जेसीबी है, अगर इसको शोरूम पे लेके जाते हैं तो हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ करते हैं, बाय ट्रेन लेके आते हैं या बाय ट्रक लेके आते हैं, तो वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई अभी जो हमारी जेसीबी आई है, आपको दो मशीन दिख रही होंगी जो कि ट्राले के ऊपर लोड होके आई है। यहाँ पर आप ट्राले देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे टायर्स इसके, यहाँ 16 चक्के के ऊपर ये रखा के आती है भाई, 16 चक्के के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे तो। और इनको हम देखें तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से यहाँ पे बांधा है चेन के द्वारा। दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है। यहाँ पे आपको एक मॉडल देखने को मिलेगा जो कि जेसीबी 3DX सुपर है, और एक हमारा ये 3DX 49 HP में। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो अभी हम वन बाय वन इनको चेक करेंगे, इनको हम पूरा वेरीफाई करने वाले हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई प्लांट से वहाँ से। और हम इनको ऑपरेटर हमारा जो है इनको पहले चेक करेगा इसमें ऑयल बराबर प्रॉपर है कि नहीं है और डीजल प्रॉपर है कि नहीं है, उसके बाद यहाँ पे हम मशीन इसको नीचे उतारते हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, हम सारी टेस्ट वन बाय वन करके चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे एक डिलीवरी इंस्पेक्शन भी होता है, मशीन की डिलीवरी होती है या फिर जब मशीन अनलोड करते हैं तो वहाँ पे ये चेक करते हैं। तो अभी हमारे साथ जो है मिस्टर रत्नेश जी हैं, रत्नेश जी यहाँ पे क्या करते हैं कि मशीन जो भी आती है उसको प्रॉपरली चेक करते हैं कि वहाँ से कोई ब्रेक डाउन तो नहीं आई है या फिर मशीन में कोई स्क्रेचेस तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ चेक करते हैं। तो अभी हम इनसे पूछते हैं कि रत्नेश जी ये मशीन अभी फिलहाल आई कहाँ से है, कौन से प्लांट से आई है आपके यहाँ पे? ये देखिए, ये जो मशीनें हमारे पास आती हैं ये ज़्यादातर राजस्थान बल्लभगढ़ से मशीनें आती हैं। अच्छा, मशीनें पुणे प्लांट से भी आती हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, पुणे प्लांट से भी आती हैं। जी हाँ, और ये 4x4 मशीन वगैरह हैं, ये सब राजस्थान की हैं। अच्छा, आपका मतलब यहाँ पे रोल क्या है देखा जाए तो? जी देखिए, मैं तो इंस्पेक्शन तो ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन मेरी दूसरी मशीनें ज़रूर आती हैं टेली हैंडलर करके। हाँ, टेली हैंडलर ज़्यादा यहाँ पे। अच्छा, मेरा सेल्स का काम है। अच्छा, हमारे 12 जिले हैं तो 12 जिलों में मैं कवर करता हूँ। अच्छा, 12 जिलों में आपका मतलब यहाँ से टेली हैंडलर के लिए मैं सेल्स प्रोवाइड करता हूँ न्यू मशीन के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी टेली हैंडलर चाहिए हो या फिर बाकी कोई अदर मशीन चाहिए हो तो आप रत्नेश जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं आपको डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा होगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो और इनसे जानकारी ले सकते हो कि आपको मशीन चाहिए कौन सी चाहिए। बाकी आप हमारे राज भैया से देख सकते हैं, टेली हैंडलर के बारे में टेक्निकली समझ पाएंगे। हाँ, वो तो हम तो फिर देते ही हैं कि हमारे व्यूअर्स को मशीन कैसी है एक्चुअली। हाँ, तो राज भाई हमारे पता। तो हमारे व्यूअर्स का एक सवाल था कि टेली हैंडलर के ऊपर क्या है, कि एक वो सेल्समैन से जानना चाहते थे कि इसका यूज़ क्या है एक्चुअल में, तो वो आप प्लीज़ आप इनको बताइए, आप उसके लिए एक वीडियो प्रिपेयर करिए पूरी की पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सकेगा आप लोगों के लिए एक वीडियो भी हम उसके ऊपर लेके आएंगे कि उसका यूजेस क्या है, एप्लीकेशन कौन से एप्लीकेशन में क्या काम करती है, किस अटैचमेंट के साथ, क्योंकि उस मशीन में अटैचमेंट काफ़ी यूज होते हैं, इस वजह से वो मशीन थोड़ी वर्सटाइल है जी, और बहुत ईजी ऑपरेटेड मशीन भी है वो। बहुत जल्दी अच्छा। नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो कि टेली हैंडलर पे ही ओनली बेसिस होगा। तो दोस्तों, जैसे कि सर ने बोल दिया तो हम जल्दी से जल्दी प्लान करते हैं, शूट करते हैं, नई वीडियो हमारी टेली हैंडलर के ऊपर होने वाली है। तो कब तक आ जाएगी लगभग आइडिया है आपको कुछ वीडियो हमारी? बिल्कुल, आपको नेक्स्ट वीक हम ये वीडियो आपको तो दोस्तों हम कल ही इस वीडियो को शूट करते हैं और कुछ ही दिनों में आपके पास आ जाएगी वीडियो। और बाकी हम बेकोम पे भी जाएंगे और अदर ब्रांड्स भी देखेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारी वीडियोस पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।